हाँ मरूंगा। अच्छा मरूंगा महाराज, बिल्कुल मरण नहीं दूंगा, घबरा मत ना, तू कह दे। हाँ मरूंगा बतला दो ये भेद, हाँ खेती है पर ये आरजू ने कुमारी, मरूंगा बतला दो ये भेद, जब करण बच्चा कट जाने से कारण हो सपासी क्यों रथ मेरा तीन कदम हम जाने से, कारण को सपासी क्यों रथ तीन कदम हम जाने से, ओ मैं तो गया मान मन में, मैं तो गया मान मन में, जिनकी होगी रात अर्जुन इस रण में, जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन, हो कते मुख से दू मैं काट हाथ फेर, हो तेरा धनसारी मरूंगा से युद्ध नहीं होगा जैसे आप करवाना चाहते हो। युद्ध तो इसी प्रकार से होगा अर्जुन, ऐसे नहीं होगा महाराज, लेकिन जब थोड़ा सा तेरा नखरा ढीला हो जाएगा, जब नखरा ढीला नहीं महाराज, नखरा मेरा ढीला नहीं हो सकता, पता है मैं किसके शिष्य हूं। अजय हाँ, तुझे मैं सच्चाई बता दूंगा। अच्छा तो तेरी गर्दन ऊपर उठने वाली नहीं है अर्जुन। महाराज मेरी सदा गर्दन ऊंची रही है, नीचे टिकने वाली नहीं। ऐसा एक भी काम इस करण ने मेरी नजरों में नहीं किया जिसे मैं करण को कुछ मान सकूं। तेरी नजरों में अहंकार आया हुआ है अर्जुन। अच्छा जब तेरी नजर बिल्कुल साफ हो जाएगा तेरा त्योर, अच्छा जब तुझे करण मिली तो चश्मा चढ़वा लूं, सच्चा योद्धा नजर आ नहीं तो और कुछ सौदा है मेरे पास में जो तेरे जो है त्योर को निखार सकता है। नहीं दवाई भी है इधर पास में, दवाई भी बटरी, अगर कहो तो दवाई डाल लो आखन में। तेरी आंखों में ममीरा डालना पड़ेगा अर्जुन। हाँ ममीरा डालना पड़ेगा। हाँ। और कानों में मेरी बात सुन ले महाराज, सुनो किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं, सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं, अरे थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन।
भर कह जो सामने आ जाए ना, जब भी मैं दहशत खाने वाला नहीं हूं। शायद आपको पता नहीं है, वैराट नगर में राजा कवलनैन की गायों को छुड़वाने के लिए गया था। सारे योद्धा जो मिले थे वहां पर एक बाण चलाया था। उनका ये मैं जानता हूं, उनका ये पता नहीं था कि वो योद्धा कहां पर है। मैं जानता हूं तू वैराट नगर का उस समय का जिक्र कर रहा है जब तूने सम्मोहक बाण चला करके हाँ और सभी योद्धाओं को मूर्छा ला दी थी। हाँ, लेकिन अर्जुन ये वैराट नगर का युद्ध नहीं है, ये वैराट नगर का गऊ घेरने वाला युद्ध नहीं है। इस रणभूमि में भी यही योद्धा है जो वहां पे थे, ये वही होता यहाँ पे। दादाजी कभी कभी ऐसा भी तो हो जा, कमजोर पहलवान बहुत है कट पहलवान में एकदम पटकी लगा जा। एक बार लगा सकता है, बार बार नहीं लग सकता महाराज। बस तो इसी बात को सोच ले। हाँ, मैं बार बार पटक लगाऊंगा और कर्ण को मारूंगा आज। तू भी एक बार ही पटकी लगा पाया है, दोबारा तेरे बस का है नहीं। अच्छा हाँ। तो मेरी बात सुन लीजिए महाराज। पहले मैं बता रहा हूं तुझे, हाँ, जिस कर्ण बलि की तू चर्चा कर रहा है, जिस कर्ण बलि की तू चर्चा कर रहा है, ये कोई सामान्य योद्धा नहीं है। अच्छा, कर्ण बलि का भेद इस तीसरी कली में बताऊंगा तुझे, पूछ। सुन लीजिए, दिखाई मेरी बात सुन ले महाराज। ऐसे ही तो दिखाई देना अंधा कर दूंगा, अंधा सगले योद्धाओं को अंधा कर दूंगा महाराज। अंधा तो बेटा तू ही हो रहा, तुझे सही दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। 16 दिन युद्ध को हो गए और बहुत योद्ध मैंने प्राचित करे हैं, भगा भी दिए हैं। आज सेकंड लास्ट डे है ये युद्ध का। अच्छा, 7वां दिन है। तो महाराज मेरी बात सुन लीजिए, कर्णों से मैं नहीं डरूं, तीन लोक पाछे हटके बात कहां हृदय में धरूं, दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं, दिया ना दिखाई कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। बाबा अगर जो इजाजत हो तो दिखा दूं, इसे दिखा दूं तो ताली बजा के एक बार आशीर्वाद दे दो जोरदार तालियों से। हनुमान रथ की मुर्जी पे। अच्छा, बिल्कुल। हनुमान रथ की मुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, तीन लोग मेरे भूखे अंदर भूखे शरण फाड़ दिया, तीन लोग ओ देख के भूल गया आसान बाणे गिरा पे गया सासार भागो।
महाराज। सौ कर्णों से लड़ने की बात कर रहे थे अर्जुन, आप तो एकदम से उस अवस्था में आ गए जिसमें आपका एक पैर मुड़ा हुआ है। महाराज, अहंकार की पट्टी मेरे आंखों पर बंधी थी, मुझे नहीं पता था कि करण इतना भी धनुधारी। दोबारा सुन ले अगर जो तेरी समझ में सही तरीके से नहीं आई हूँ। महाराज मेरी समझ में आ चुकी है। देवताओं में सबसे ज्यादा बलशाली देव कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी है? हाँ। तो हनुमान जी तेरी रथ की बुर्जी पर बैठे हुए तेरी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं महाराज। पाताल का राजा शेषनाग, हाँ, जिसने तेरे रथ के पहिए जमीन में जकड़ रखे हैं। बिल्कुल जकड़ रखे हैं। और तीनों लोगों का नाथ त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है। बिल्कुल महाराज। और फिर भी यदि तेरे रथ को तीन कदम पीछे करण बलि ने हटा दिया है तो ये बता दे कि तीन लोगों में कहां जगह छोड़ दी है तुम्हारे और हमारे लिए। महाराज वाक्य में करण, करण बाणाधारी है, धनुषधारी है। नहीं, तू तो ये कह रहा था कि मैं सौ कर्णों से भी जो है टक्कर ले सकता हूँ। महाराज मैं कह रहा था पर लेकिन जो अहंकार की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी थी वो खुल चुकी है, आपने ये बताए। ये तो तीन लाइनों आपने बताई है, तीन लाइनों के बाद में। लेकिन ये मुश्किल है, ये जो तेरी लीला है ना अर्जुन। अच्छा। ये जो तेरे जीने की शैली है। हाँ बिल्कुल। ये तुझे बार बार अहंकार में ला देती है लेकिन मैं तुझे बहुत समझाता हूँ, तेरी समझ में आती नहीं है। मेरी समझ में महाराज आ चुकी है। अब मुझे ये बता दे क्या चाहता है तू। इस रणभूमि में जीत का मार्ग चाहता हूँ और करण से अपने जानों की जान तो एक ही, हाँ, प्राणों की रक्षा चाहते हो। हाँ प्राणों की रक्षा चाहता हूँ। तो मेरी बात सुन ले अर्जुन, रणभूमि में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। रणभूमि में विजय प्राप्ति का भी तुझे रास्ता बताऊंगा। अच्छा। और इस करण बलि से तेरे प्राणों की रक्षा भी करूंगा। बिल्कुल महाराज। हाथ जोड़कर विनती। दादाजी बताया है कि किसकी तो जीत हुई है, किसकी जीत होगी और किसकी जीत होती रहेगी, ये आपके लिए भी है और हमारे लिए भी। श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्या कहा था क्या बताया भला लास्ट में? जानते हो हाल जाल माया का रचाओ, भूलो न एहसान जान मेरी करण से बचा दो, भूलो न एहसान जान मेरी करण से बचा दो। जीत किसकी हुई है, किसकी होती रहेगी? सत्य की जीत हुई है महाराज। सुन ले। हाँ। जीत और हार रण में, जीत और हार रण में अपने कर्म की होगी, राजपल उठाओ बाण बात क्या शर्म की होगी। लटन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी, लटन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। हो हो दे चित चिंता ने मेट रे, चित चिंता ने